मास का सेंटर कहाँ है ना, सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, मास का सेंटर कहाँ है। तो आप लिखो अपनी कॉपी में, द पॉइंट वेयर ऑल द मास, लिखो अपनी कॉपी में साथ साथ, द पॉइंट वेयर ऑल द मास इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। कई बार एग्जाम में आता है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट वेयर ऑल द मास इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो वो पॉइंट जहां पे सारे मास को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, वो है सेंटर ऑफ मास। तो मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जनरली वो पॉइंट जो मास का सेंटर है। जैसे ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। और याद रखना, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखो, बॉडी के अंदर है, यहां पे बॉडी के अंदर है, यहां पे बॉडी के अंदर है, लेकिन यहां पे ये पॉइंट कहां है, बॉडी के बाहर। देखो बॉडी तो यहीं पे खत्म हो गई, आपका सेंटर ऑफ मास कहां है, बीच में। जैसे अगर मान लो कोई रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बीच में। तो जरूरी नहीं है कि जो सेंटर हो वो बॉडी के ऊपर हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है ना। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, वो पॉइंट जो आपके मास का सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। तो वापस समझना इसको, जैसे ना तुम लोगों ने कभी ये देखा है, कई लोग क्या करते हैं, अपनी उंगली पे ऐसे इस चीज को बैलेंस कर देते हैं। तुमने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी सी रोड को लेते हैं और अपनी उंगली पे बैलेंस कर लेते हैं। तो उनकी उंगली बेसिकली कहां पे होती है, सेंटर ऑफ मास पे होती है। ध्यान से देखो इस फिगर में मैंने तुम्हें बता रखा है, अब तुम्हें समझ में आया, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे तुम अगर उंगली लगाओगे तो ये पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। जैसे तुम नीचे वाले डायग्राम में देखो, तो नीचे वाले डायग्राम में भी देखो, ये सेंटर ऑफ मास है। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर तुम बॉडी को टिकाओगे तो ये बॉडी एकदम स्टेबल रहेगी। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब तक किसी को कोई डाउट है सेंटर ऑफ मास में तो पूछो, अब तक सेंटर ऑफ मास में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहां पे मास का सेंटर है, वो सेंटर ऑफ मास है ना। तो अब मैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाऊंगा, बहुत आसान है, तुम सब समझना, और फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम करना। ठीक है, तहसीन देखो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान टॉपिक है, अब मेरे साथ साथ चलना। तो लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब सब समझना, पहले सब समझना, सपोज करो कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो यहां पे कोई मास है m1 और इस मास का पोजीशन वेक्टर है r1। श्रेया आप समझना, आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये कोई मास है m2 और मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है r2। मैं तुम्हें फिर एक्सप्लेन कर दूंगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो याद रखना, आपके पास दो मास है और आपको मैंने इन दोनों मास का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, लिखो अपनी कॉपी में, मास वन इंटू उसका पोजीशन वेक्टर प्लस मास टू इंटू उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, तो एम वन प्लस एम टू। अगर मान लो यहां पे एक और तीसरा मास होता, मान लो यहां पे एक मास होता है एम थ्री जिसका पोजीशन वेक्टर आर थ्री, तो अपन क्या लिखते हैं, प्लस एम थ्री इंटू आर थ्री और डिवाइड किससे कर देते, एक एम थ्री से ऐड कर देते। अपन करते कैसे, देखो मास इंटू उसकी पोजीशन प्लस मास इंटू उसकी पोजीशन प्लस, तो जितने मास है उन सबके लिए आपको एम आर एम आर एम आर लिखना है और डिवाइड किससे करना है, टोटल मास से। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत आसान चीज है, एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देखना अगला क्वेश्चन तुम सबसे हो जाएगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। और देखो जिसको डाउट है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो अगर सपोज करो कोई मास तुम्हारा 5.6 पे पड़ा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5i कैप + 6j कैप। जिनको पोजीशन वेक्टर नहीं पता है वो समझ लो, सपोज करो कोई मास आपका 2.3 पे पड़ा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लोगे तुम, 2i कैप + 3j कैप। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तहसीन ये फॉर्मूला लिख ले बेटा, एक बार समझ ले, वापस मैं समझा दूंगा, एक बार लिखो। तो अगर आपके पास मास है और उनकी पोजीशन है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं, m1r1 + m2r2 + m3r3 / m1 + m2 + m3। सिद्धार्थ सब लोग ये फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं, जल्दी लिख लो।
एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अभी अगर तुम्हें कंफ्यूजन भी है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, लिख लिया सबने? तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, सब समझना। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मेरे पास एक 2 किलो का मास यहां पड़ा हुआ है 2.1 पे, और एक 4 किलो का मास मेरे पास यहां पड़ा हुआ है 1.6 पे। तो बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है? तो आप क्या करो, देखो पहले फॉर्मूला लिखो, दो ही मास है तो आरसीओएम का फॉर्मूला क्या आएगा, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सपोज करो कि ये पहला मास है और ये दूसरा मास है, तो आप मुझे बताओ पहला मास कितना है? पहला मास है आपका 4 kg, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आप मुझे बताओ। तो पहला मास 4 kg है, वो कहां पड़ा हुआ है 1.6 पे, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i कैप प्लस 6 j कैप। अब आप मुझे बताओ दूसरा मास कितना है, तो m2 कितना है, ध्यान से देखो m2 कितना है 2 kg, और आप मुझे बताओ इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2 i कैप प्लस j कैप, है कि नहीं, 2.1, तो 2 के साथ i कैप, 1 के साथ क्या आएगा, j कैप। तो आप मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, तो RCOM कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सब वैल्यू पुट करनी है। तो m1 कितना है 4, और यहां पे क्या आएगा i कैप प्लस 6 j कैप, और आप मुझे बताओ m2 कितना है 2, ब्रैकेट में कितना आएगा 2 i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 4 और 2 कितने होते 6, और इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो 4 i कैप प्लस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 j कैप, प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 i कैप, और प्लस 2 j कैप डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6, तो i कैप कितना हो जाएगा 4 और 4 8 i कैप, और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 j कैप, और 6 को अलग कर दो तो आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना आया 8.6 और 26.6, तो 8.6 और 26.6, है ना। किसी को अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर प्लस मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से। अब किसी को कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सिद्धार्थ भाई कोई डाउट है, गगन कोई डाउट है, गर्वित मेघना कोई डाउट है बेटा, किसी को गार्गी कोई डाउट है तो पूछो। लिख लो इसको। तो अगर 2 मास है तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास। अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है ना, और तुम कर लोगे अगला क्वेश्चन, एक बार लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, तो देखो अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है ना, इसको खाली फॉर्मूला लिख के वैल्यू लिख लो, वैसे भी नोट्स में भेज दूंगा। सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मान लो कि यहां पे 3 मास है, एक 1 किलो का मास यहां पड़ा हुआ है, एक 1 किलो का मास यहां पड़ा हुआ है, और एक 1 किलो का मास ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 1.0। देखो ये तो ओरिजिन पे पड़ा है मतलब 0.0, और ये ऊपर पड़ा है मान लो इसका पोजीशन है 0.1। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का है, सब ट्राई करो कितना आएगा, लगाओ दिमाग सब, जल्दी करो। यहां पे 3 मास है, एक 1 किलो यहां पड़ा हुआ है 0.0 पे, एक 1 किलो यहां पड़ा हुआ है 1.0 पे, एक 1 किलो यहां पड़ा हुआ है 0.1 पे। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी ट्राई करो, और सब कर सकते हो है ना, करो जल्दी बताओ क्या आएगा। और जिसको डाउट है वो आपको अनम्यूट करके पूछ लो। तो यहां पे RCOM का क्या फॉर्मूला आएगा, 3 मास है तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय, 3 मास है तो m1 प्लस m2 प्लस m3। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे उसको फर्स्ट मास लो चाहे सेकंड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं इसको फर्स्ट मास ले लेता हूं, इसको मैं सेकंड ले लेता हूं, और इसको मैं थर्ड ले लेता हूं। तो देखो m1 कितना है, चेक करो m1 कितना है 1, तीनों तो 1 ही है, और r1 कितना है 0.1, तो 0 i कैप प्लस j कैप। अब m2 देखो, m2 कितना है 1, पर बेचारा m2 कहां पड़ा है 0.0 पे, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप। प्लस m3 कितना है 1, और वो क्या है i कैप प्लस 0 j कैप, और टोटल मास कितना है
वन प्लस वन प्लस वन टोटल मास कितना हो गया थ्री, तो देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये जीरो आई कैप तो छोड़ो, यहां पे खाली जे कैप बचेगा और वहां पे खाली आई कैप बचेगा अपॉन थ्री, इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, है ना, तो आई कैप के साथ वन अपॉन थ्री और जे कैप के साथ वन अपॉन थ्री, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आया, वन अपॉन थ्री कॉमा वन अपॉन थ्री, इस तरीके से निकालते हैं। किसी को अब इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को अब इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, गार्गी कोई डाउट है, जिसने गलती करी वो देख लो, आप आई कैप बाय थ्री और जे कैप बाय थ्री को ऐड नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, यही आपका आंसर खत्म हो जाता है। मेघना कोई डाउट है, तहसीन कोई डाउट है तो पूछो, श्रेया सिद्धार्थ कोई डाउट है बेटा तो पूछो, हर्ष कि तुम्हें समझ में आ गया टॉपिक, आ गया पक्का? यस सर। ओके, कोई डाउट है किसी? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लो यार, एक और कर लो ताकि मेरे को भी मन को लगेगा हो गया। सपोज करो कि ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मान लो कि आपका एक मास यहां पड़ा हुआ है, सपोज करो ये 2 kg का मास है, आपका एक मास यहां पड़ा हुआ है 2 kg का, और दो ही मास है ठीक है, एक 2 kg यहां पे, एक 2 kg यहां पे, और इस 2 kg का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 0, इस 2 kg का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, -1। जल्दी करो जल्दी, मुझे सिस्टम का COM चाहिए, जल्दी करो, अभी आ सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी करो यार, खत्म करो इसको ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ पाऊं जल्दी, है ना। दो ही मास है तो m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, कितना आएगा, आप चाहो तो इसको पहला ले लो, इसको दूसरा ले लो, तो पहला मास कितना है 2, इसका कोऑर्डिनेट 1, 0, तो i कैप प्लस 0 j कैप, दूसरा मास कितना है 2, उसका कोऑर्डिनेट 0 i कैप माइनस j कैप, 0, -1 है तो 0 i कैप माइनस j कैप, और टोटल मास कितना है 2 और 2, 4, तो ये कितना बचा 2 i कैप और ये कितना बचा -2 j कैप अपॉन 4, इसको अलग अलग कर दो, तो i कैप बाय 2 माइनस j कैप बाय 2, तो आंसर कितना आएगा ½, -½, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट है COM कैसे निकालते हैं तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, बढ़िया टॉपिक है, इजी है, सबसे बड़ी चीज तो मैं समझ में आ जाए तो इजी है। सिद्धार्थ भाई समझ में आया, हर्ष क्लियर है सबको, तहसीन कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टॉपिक लिखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आप समझो, सब समझना इसको, अगर मान लो कि आपका कोई एक मास m1 है जो वेलोसिटी v1 से जा रहा है, और आपका कोई मास m2 है जो मान लो वेलोसिटी v2 से जा रहा है, तो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरीके से मान लो कि आपका कोई मास m1 है जिसका एक्सेलरेशन a1 है, मान लो कोई मास m2 है जिसका एक्सेलरेशन a2 है, तो इनके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लिख लो अपनी कॉपी में VCOM का फॉर्मूला और ACOM का फॉर्मूला एग्जैक्ट वही है, बस R की जगह V आ गया और R की जगह A आ गया। अगर मान लो यहाँ पे तीन मास हो तो यहाँ पे M3 V3 भी ऐड कर देना और नीचे M3 ऐड कर देना। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपकी बॉडी मूव करेगी तो साथ साथ सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर आपके मास एक्सेलरेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट करेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। फिर एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसका क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, इसका क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर अगर आप मूव करोगे, जैसे मान लो अगर मैं मूव करता हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे पेट में है, तो अगर मैं चलूंगा तो मेरा पेट भी साथ साथ चलेगा ना, तो मेरा सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ चलेगा, तो अगर आपकी बॉडी चलेगी तो उनका सेंटर ऑफ मास भी चलेगा,
अगर आपके मासेस का एक्सेलरेशन होगा तो उनके सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन होगा, बस ये फॉर्मूले याद रखते, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, मैं तुम्हें लिखने का इतने टाइम दूंगा, लिख लिया तुम लोगों ने, श्रेया लिख लिया बेटा सबने, सब लिखा तेज करो यार थोड़ा सा, है ना। ओके पीपल, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। तो एक क्वेश्चन तुम्हें करना है ना, और प्लीज गलत मत करना। तो क्वेश्चन है ये, एक भैया है 2 किलो के, वो भैया ऊपर जा रहे 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक और भैया है वो है 4 किलो के, वो भैया इधर जा रहे 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन है, फाइंड VCOM, ट्राई करो जल्दी, सब करो जल्दी करो, सिद्धार्थ भाई करो भाई, मेघना जल्दी आंसर बताओ। और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं, ये ध्यान से देखो, ये 2-dimensional क्वेश्चन है, ये नहीं कि 2 × 10 + 4 × 10 कर रहे हो, यहां पे आई कैप जे कैप यूज करना, अगर तुम्हें नहीं पता हो, दिवाली में भूल गए हो, तो ये आई कैप होता है, ये जे कैप डायरेक्शन है ना, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये माइनस आई कैप होता है, ये माइनस जे कैप होता है, क्या आएगा बताओ, वी सी ओ एम। तो m1v1 + m2v2 / m1 + m2। तो मान लो कि ये पहला मास है, सपोज तुम उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला मास कितना है 2, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से देखो, 10 जे कैप है कि नहीं, 10 जे कैप ऊपर जा रहा है तो जे कैप। और दूसरा मास कितना है 4, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 आई कैप, ध्यान से देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप, और डिवाइड करो 4 और 2 कितने होते, 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 J cap + 40 I cap / 6 m/s। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, VCOM निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर इसमें 20/6 और 40/6 नहीं करेंगे? सर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी छोड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे मतलब MCQ का क्या ऑप्शन है। अगर मान ली ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको यही छोड़ दे, कोई गलत नहीं करेगा। तो वो कॉमा जैसे लिखते हैं, हाँ वो लिख सकते हो, पर पहले 40/6 आएगा। हाँ हाँ, लेकिन मेघना देख, वेलोसिटी को वैसे लिखने से फायदा नहीं है ना, वो तो अपन कोऑर्डिनेट बता रहे थे, तो कोऑर्डिनेट में तो अपन बताते ना x, y, वेलोसिटी तो यहाँ पे भी छोड़ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है, मतलब अगर ऑप्शन है तो कहाँ क्या ऑप्शन है, अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन है तो आप यहाँ छोड़ दो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। और सिमिलरली एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करते हैं, सब करोगे। तो एक 2 kg का मास है, उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 2 m/s². एक 4 kg का मास है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है 2 m/s² से, और एक और 2 kg का मास है, ये इधर की तरफ जा रहा है 2 m/s² से। देखो तीनों के एक्सेलरेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन है फाइंड ACOM। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी ट्राई करो जल्दी सब लोग, फॉर्मूला तुम सबको पता है, बस वैल्यू पुट करनी है। तहसीन बेटा जल्दी ट्राई करो, ACOM 3 मास है, तो मतलब यहां क्या फॉर्मूला लगेगा, m1a1 + m2a2 + m3a3 / m1 + m2 + m3। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जिसको 1 लेना चाहो 1 लो, जिसको 2 लेना चाहो 2 लो, जल्दी ट्राई करो, तब मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे साथ साथ नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, करो। ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, कुछ मिस हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है। करो जल्दी करो, क्या आंसर आ रहा है सबका। हर्ष भाई कहां शांत हो भाई, जल्दी करो सब। जे कैप 1, 2, 3, देखो मैंने ऐसे लिया है, आप चाहो 1, 2, 3 ले लो। तो पहला मास है 2, ध्यान से देखो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 i cap है कि नहीं। दूसरा मास है 4, इसका कितना है, 2 j cap, क्योंकि ये डायरेक्शन j cap होती है। तीसरा मास है 2, इसका -2 i cap, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 2, 4 × 2 = 6 × 2 = 8, नीचे आ जाएगा 8। तो ध्यान से देखो ये तो गया, तो 4 × 2 जा, खाली क्या बचा, j cap m/s², ये इसका आंसर है। समझ में आया सब? सर 1 m/s² लिखे तो? हाँ आप लिखो 1 m/s², पर आप लिखना कि फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए खाली जे कैप छोड़ेगा तो सामने वाले को अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि 1 है और वाई में है।
क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? देखो अगर तुम साथ साथ नहीं करोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट खराब लगेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, साथ साथ करो। सबका आंसर आया? तहसीन आंसर आया कि नहीं आया? सर आ गया पक्का? मैं एक एक को जानता हूँ तुम में से। सिद्धार्थ भाई गायब है। ओके और कुछ पूछना है तो पूछो। तो इसके साथ सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक खत्म होता है। अब लिखो अपनी कॉपी में सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? ये थोड़ा दिमाग वाला टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम करना, समझना सब। सपोज करो कि मेरे पास दो लकड़ियां हैं, मान लो एक लकड़ी ऐसे पड़ी हुई है और एक लकड़ी ऐसे पड़ी हुई है। मान लो इस लकड़ी का मास है m, लेंथ है l, इस लकड़ी का मास है m, लेंथ है l, और ये आपको ओरिजिन दे रखा है 0, 0। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां पे पॉइंट तो है ही नहीं, यहां पे दो लकड़ियां हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये पहला मास है, सपोज करो कि दूसरा मास है, तो m1 कितना दे रखा है आपको m, और देखो m2 कितना दे रखा है आपको m, दोनों का मास दे रखा है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें r1 निकालना सिखाता हूं और फिर r2, घबराना मत, समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। आप मुझे बताओ इस लकड़ी का सेंटर कहां पे होगा, यहां होगा कि नहीं होगा? यही होगा इसका सेंटर। तो आप मुझे बताओ इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, L/2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके सेंटर तक पहुंचना है मतलब मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा, L बाय टू जाना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी L लेंथ की है, सेंटर तो बीच में होगा। आप मुझे बताओ खाली मुझे कहां जाना पड़ा, ऊपर, ना तो आगे जाना पड़ा ना पीछे, तो 0, L/2। तो R1 कितना आ जाएगा, 0i cap + L/2j cap। उसी तरीके से जो नीचे वाला मास है, ध्यान से देखो उसका सेंटर यहां होगा, यहां पे आने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा, कितना आगे आना पड़ेगा, L/2। ऊपर तो नहीं जाना पड़ेगा, नीचे तो नहीं जाना पड़ेगा, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L/2, 0। तो ये आ जाएगा L/2i cap + 0j cap। तो अब बस आपको क्या करना है, RCOM में वैल्यू पुट करनी है, M1R1 + M2R2 / M1 + M2, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछो कि सर आपने R1 कैसे निकाला और R2 कैसे निकाला, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है छुपाना मत, डाउट है तो पूछो। सर ये 0i cap और 0j cap में कोई वैल्यू नहीं आएगी तो भी 0 ही रहेगा क्या? हाँ 0 ही रहेगा, उसको 0 छोड़ सकते हो। ठीक है देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी है मुझे पता है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, एक सेकंड ना, जस्ट वन सेकंड, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास तीन रोड है, एक रोड यहाँ, एक रोड ऐसे है और एक रोड ऐसे है, ठीक है, तीनों का मास m, लेंथ l है, तीनों का मास सेम है, तीनों की लेंथ भी सेम है, और मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ये ओरिजिन है 0, 0, तो आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। आपको क्या करना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो कैसे करेंगे, अब सर समझना, मान लो कि ये पहला मास है, ये दूसरा मास है, ये तीसरा मास है, तो एक बात तो पक्की है कि पहला मास भी m है, दूसरा मास भी m है और तीसरा मास भी m है। अब देखना अपन r1 कैसे निकालेंगे, अपन r2 कैसे निकालेंगे और अपन r3 कैसे निकालेंगे, तुम सब समझना है ना, सब दिमाग लगाना। तो आप मुझे बताओ ये तीसरा मास है, इसका सेंटर कहां है, यहां पे, यहां पे है, तो यहां पे पहुंचने के लिए मुझे ओरिजिन से कितना आगे आना पड़ेगा, L/2। तो R3 को आप क्या लिखो, L/2i cap, R3 को आप क्या लिखो, L/2i cap। देखो यहां तक पहुंचने के लिए आपको खाली आगे आना पड़ा, क्या आप ऊपर गए, क्या ऊपर भी नहीं गए, नीचे भी नहीं गए, तो आप जे कैप लिखो ही मत, टेंशन ही खत्म, खाली आगे आए, कितना आगे आए, L/2 हो गया। अपन दूसरे मास की बात करते हैं, तो इसका सेंटर कहां पे होगा, यहां पे, तो यहां तक कैसे पहुंचोगे, यहां पे कितना ऊपर जाना है, L/2, तो आप यहां पे क्या लिखो, खाली L/2j cap, बाकी खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं i cap, क्योंकि आप x में चले ही नहीं, आप खाली किस में चले,
खाली आप वाई में चले तो एल बाय टू जे कैप। अब सबसे ट्रिकी वाला, पहला मास, इसका सेंटर कहां है? यहां पे। तो अब तुम ध्यान से देखना मैं इसके लिए कैसे लिखता हूं। तो यहां तक तुम कैसे पहुंचोगे आप बताओ। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो। देखो पहले मैं इतना ऊपर आता हूं, कितना ऊपर, यहां तक। तो पहले आप लिखो एल जे कैप, फिर आपको कितना आगे आना पड़ेगा एल बाय टू, तो फिर आप लिखो प्लस एल बाय टू आई कैप। तो हो गया, बस काम हो गया, खत्म, आ गया आंसर। नहीं समझ में आया कैसे कैसे लिखा मैंने ये? और अब तो तुम आर सी ओ एम का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब भी किसी को कोई डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा यार, प्लीज यार, आपको आर वन आर टू आर थ्री में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेघना तो समझ में आया, अश्वेता, तहसीन, श्रेया, सिद्धार्थ, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? हर्ष भाई yes, नहीं आया तो पूछो। बस वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, वो तुम कर दोगे, ये निकालना बड़ी बात है आर वन आर टू और आर थ्री। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, उसमें तुम सब निकालोगे, सब निकालोगे। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक रोड तो यहां पे है और आपके पास एक रोड यहां पे है, इसका मास है m, लेंथ है l, इसका मास है m, लेंथ है l, और आपको मैंने बोल रखा है कि ओरिजिन ये वाला पॉइंट है 0,0। तो आप मुझे बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सर दोनों एम वन एल है, दोनों एम एल है। तो सपोज करो कि ये पहला मास है, ये दूसरा मास है, तो एक बात तो पक्की कि पहला मास भी एम है, दूसरा मास भी एम है। तो आप मुझे बताओ कि आर वन क्या होगा और आर टू क्या होगा? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये ओरिजिन है, तो जो पहला मास है उसका सेंटर का है यहां पे, तो आप मुझे बताओ यहां ओरिजिन से वहां पहुंचने के लिए कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे कितना चलना पड़ेगा l बाय टू, तो r1 कितना आ जाएगा l बाय टू जे कैप, खत्म। और इसका सेंटर का है यहां पे होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे कैसे पहुंचोगे? पहले यहां ले जाओ फिर इधर आ जाओ, तो पहले ऊपर कितना जाओगे l बाय टू जे कैप, फिर आगे कितना होगे l बाय टू आई कैप। ये आ गया तुम्हारा r1 और r2, ये तुम्हारा m1 और m2, और तुम्हारा r c o m कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से निकालते हैं, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। मेघना कोई डाउट है तो पूछो यार, है ना, तुम पूछोगे तो मुझे पता पड़ेगा यार। सर एक क्वेश्चन और करा दो ना। हाँ मैं एक और करा रहा हूं, पहले बाकी से तो पूछ लूं। तहसीन देख मैंने एक और कराया, कोई डाउट है बेटा तो पूछ। सिद्धार्थ, हर्ष, कोई डाउट है तो पूछ। एक करा दो ना। ये पूरा सॉल्व कराऊं? अब तो वैल्यू पुट करनी है, बस m1 की जगह m पुट करना। तो वैल्यू नहीं, आप निकाल के वापस बताओ ना। अच्छा वापस निकाल के बताओ, तो मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, मैं एक और करता हूँ। तो देखो सपोज करो कि आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसका मास से m, लेंथ है l, और स्क्वायर के यहां पे एक रोड है इस जगह, इसका मास भी m, लेंथ है l, और ये ओरिजिन है 0,0। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना है। तो तहसीन देख, मान ले ये पहला मास है, ये दूसरा मास है, तो पहला मास भी m है और दूसरा मास भी क्या है m। अब आप खुद बताओ तहसीन, यहां पे दो सेंटर होंगे। देख पहले अपन r1 निकालते हैं, r1 मतलब स्क्वायर का सेंटर, r2 मतलब रोड का सेंटर। तो आप खुद मुझे बताओ स्क्वायर का सेंटर कहां पे होगा? यहां पे होगा। तो यहां पे कैसे पहुंचेंगे? देख पहले अपन l बाय टू आगे आते हैं, फिर अपन l बाय टू ऊपर जाते हैं, तो अपन स्क्वायर के सेंटर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो r1 कितना आएगा l बाय टू आई कैप प्लस l बाय टू जे कैप। आया समझ में? ये आ गया स्क्वायर का सेंटर।
अब तुम सब ध्यान से देखो, रोड का सेंटर कहां पे होगा? यहां पे। तो यहां कैसे तुम किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, पर तुम जैसे मैं यहां पे कैसे पहुंचूंगा, पहले मैं ऊपर चला जाता हूं, कितना ऊपर जाऊंगा, एल, तो आप यहां पे क्या लिखो, एल आई कैप प्लस, अब मुझे कितना आगे जाना है, देखो एल तो इतना आगे जाना है और एल बाय टू और जाना है, तो एल प्लस एल बाय टू कितना हो गया, थ्री एल बाय टू, ये आएगा आई कैप, ये जे कैप आएगा, ये आई कैप आएगा, सॉरी हाँ, क्योंकि पहले वो ऊपर जा रहा है तो एल जे कैप, फिर वो कितना आगे जा रहा है, देखो कितना आगे जा रहा है, एल प्लस एल बाय टू, तो थ्री एल बाय टू आई कैप, ये आ गया आर टू। तो आर सी यू एम का फॉर्मूला लगा देना, क्या आएगा फॉर्मूला, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, इस तरीके से करते हैं। और कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। सर ये स्क्वायर से जब इसके अपन सेंटर पे गए थे तो इसको के कैप नहीं लिख सकते थे? के कैप नहीं आएगा बेटा, अपन 2D में चल रहे ना, खाली इधर जा रहे या इधर जा रहे, के कैप तो मतलब बाहर आना या अंदर जाना, के कैप कहाँ आएगा सर? मतलब उसके जीरो से डायरेक्ट कनेक्ट में सेंटर को अगर अपन कर दे के कैप से तो? नहीं नहीं बेटा, ये के कैप नहीं होता है, के कैप मतलब आउटवर्ड्स होता है, ये भी 2D में ही है, आउटवर्ड्स होता है वो, ये खाली आईजे में ही चलेगा, इसको ऐसे ज्वाइन मत करना, या तो ऐसे जाना या ऐसे आना। और अगर सर मास अगर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट हो तो बस वो कुछ नहीं, बस यहाँ पे M1 M2 कर दे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने को वैसे ही वैल्यू पुट करनी है ना, ठीक है। अच्छा एक लास्ट लिख लो अपनी कॉपी में, लास्ट लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। लिखो अपनी कॉपी में, सेंटर ऑफ मास फॉर एरियाज। मान लो कि आपको एक प्लेट ऐसी दे रखी है कि ये दो एरिया है इस प्लेट के, मान लो कि इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो आर वन है और इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है मान लो वो आर टू है। मान लो इधर वाला एरिया है आपका ए वन और ये वाला एरिया है आपका ए टू, तो मास की जगह बस आपको एरिया लगाना है, तो आर सी ओ एम कितना आ जाएगा, ए वन आर वन प्लस ए टू आर टू डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू। लिख लो, मैं इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूं फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, लिख लो इसको, लिख लो, समझ नहीं आया, बस ये एक बार लिख ले, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। यहां पे दो एरिया है, मान ले कोई प्लेट है उसका इधर वाला एरिया ए वन और मान ले इसका सेंटर है यहां पे, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है आर वन, ये मान ले दूसरा वाला एरिया है ए टू, इसका सेंटर यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट आर टू, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ए वन आर वन प्लस ए टू आर टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। मैं क्वेश्चन कराता हूं इसका, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ये। तुम ये फॉर्मूला लिख लो खाली, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी तक क्लियर हो जाएगा, टाइम कम है तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जल्दी, अब ध्यान से देखना, सब क्वेश्चन देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, सब देखो। सपोज करो कि मेरे पास दो रेक्टेंगल है, एक नीचे वाला रेक्टेंगल है और एक मान लो कि इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल है, है ना, एक सेकंड, एक मान लो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, मान लो ये दो दे रखा है, ये चार दे रखा है, ये एक दे रखा है और ये चार दे रखा है, ठीक है, और कोई मुझे पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं। मान लो नीचे वाला एरिया ए वन, मान लो ऊपर वाला एरिया ए टू और मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन है 0,0, तो आप मुझे बताओ ए वन कितना होगा, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया 4×2=8 होगा कि नहीं होगा, और ऊपर वाले का एरिया कितना होगा मुझे देख के बताओ, 4×1=4 कितना होगा, 4। अब अपन आर वन निकालते हैं और अब अपन आर टू निकालते हैं, तो आप मुझे बताओ जो नीचे वाला एरिया है इसका सेंटर यहां पे होगा, तो यहां पे कैसे आएंगे, देखो पहले अपन यहां पे आते हैं 2, फिर अपन ऊपर जाते हैं 1, क्यों, क्योंकि देखो सेंटर है मतलब 2 का आधा और नीचे 4 का आधा, तो कितना आ गया है अब 2, तो देखो ये हो जाएगा 2i कैप और ऊपर कितना गए, जे कैप, आ गया सेंटर। ऊपर वाला जो एरिया है उसका सेंटर कहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा कि नहीं होगा, तो यहां तक कैसे पहुंचोगे, देखो पहले अपन यहां तक जाते हैं, तो 2 तो ये गए और 0.5 और गए आधा, तो मतलब कितना ऊपर गए, 2.5, तो 2.5 जे कैप, और अब कितना आगे आना है, 2 आगे आना है, क्योंकि ये 4 है बीच में होता है सेंटर, तो प्लस आ जाएगा 2i कैप, तो आपका आर सी ओ एम कितना आ जाएगा, आपका आर सी ओ एम आ जाएगा ए वन आर वन प्लस ए टू आर टू डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू, बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, जिसको डाउट था तुम्हें आप समझ में आया किस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है,
कि नहीं समझ में आया सर? हाँ पूछो। सर मुझे इसमें नहीं, मेरे को एक अलग से डाउट है। एक सेकंड, पहले ये टॉपिक कराए मेरे भाई। नहीं सर, इसी टॉपिक से, हाँ पूछो पूछो। मतलब सर अगर कोई, आपने शुरू में बताया था कि मतलब अपन उसको बैलेंस करने के लिए उसके, अगर अपन उसको सेंटर से पकड़ेंगे तो वो बैलेंस रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। हाँ तो अगर सर मतलब घूमती हुई बॉल को अगर कोई अंगुली पे कंट्रोल करता है हाँ तो उसका अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? वो अपनी जो उंगली होती है ना, उस उंगली की लाइन में ही होता है सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई घूमती हुई बॉल है, और कई लोग क्या करते हैं उसको यहां से ऐसे पिक कर लेते हैं, तो जो तेरा सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो इसकी लाइन में ही होता है। ये आगे आएगा, है ना, ये टॉपिक आगे आता है। सेंटर ऑफ मास की लाइन के लाइन में कहीं पे भी पकड़ो, अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और देखो तुम लोग। सपोज करो कि मैं तुम्हें पूछूं कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। मान लो कि ये मैंने तुम्हें 2 मीटर दे रखा है, ये मैंने 4 मीटर दे रखा है, ये मैंने तुम्हें 6 मीटर दे रखा है, और ये 2 मीटर दे रखा है। तो ये को ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 मीटर। और मान लो ये ओरिजिन है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस सिस्टम का सेंटर कहां पे है, तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो। ठीक है, और मान लो कि ये वाला एरिया आप A1 ले लेना, और ये वाला एरिया आप A2 ले लेना। तो देखो A1 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 10 2 जा कितना आ जाएगा 20, और देखो A2 कितना आएगा, A2 मतलब इस डॉटेड लाइन के इधर वाला एरिया, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। अब देखो तुम R1 निकालो, R1 मतलब इसका सेंटर। तो इसका सेंटर कैसे होगा, देखो ये 10 है तो मतलब 5 तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और ये 2 है तो 1 मुझे आगे जाना पड़ेगा, तो आई कैप प्लस 5 j कैप। नहीं समझ में आया, आपको 5 ऊपर जाना पड़ेगा, 1 आगे आना पड़ेगा, और इसका सेंटर कहाँ होगा, देखो इसका सेंटर यहां पे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो मुझे कितना आगे आना पड़ेगा, मुझे आगे आना पड़ेगा 3, और कितना ऊपर जाना पड़ेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा R2 कितना आ जाएगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप। 2 ऊपर क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 है, तो सेंटर तो बीच में होगा, तो 2 ऊपर आगे जाऊंगा और 3 आगे आऊंगा।